वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, ये शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का वीडियो नंबर 2, जो कि हमारा हर एग्जाम के लिए, ठीक है, जितने भी एग्जाम आपके होने वाले हैं, चाहे डिफेंस रिलेटेड हो, चाहे आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का होने वाला हो, या जितने भी वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर है तो ये आपको पता सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए आज 100 क्वेश्चन का अपना ये हम वीडियो 2 जो है जो स्टार्ट कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन का होगा और ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, हमको दिया हुआ 12 मार्च 2019 को किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगा थर्ड 2019 शुरू किया गया। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत और ओमान के बीच, ठीक है। भारत और ओमान के बीच जो हमारा शुरू किया गया है, ये भारत और ओमान के बीच शुरू किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। 14 मार्च 2019 को किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, ठीक है। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विश्व किडनी दिवस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर 3। 13 मार्च 2019 को मिजोरम का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी लाल वास्ता, ठीक है, सी लाल सावता, ठीक है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 मार्च 2019 को भारत के किस राज्य में बोल्ड क्विट एक सीमा सुरक्षा संगठन यानी BRO लागू किया गया। तो जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। इसरो द्वारा 6 फरवरी 2019 को लॉन्च किए गए 40वें उपग्रह का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा ए, जी सेट 31। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से हाल ही में CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि कुमार शुक्ला जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देश की पहली डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब कहाँ स्थापित की गई है। तो जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 मार्च 2019 को किस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, क्रिस गेल। हॉकी पुरुष विश्व कप 2018 का खिताब किसने जीता। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम ने जीता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसने कहां पर देश के पहले सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नोवाक जोकोविच ने। देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने डिजिटल गांव बनाए जाने की घोषणा की गई। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, 1 लाख, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख। हाल ही में किस देश ने IWC से अलग होने का निर्णय लिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी किताब किसने जीता है। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2019 में किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमारा दिया हुआ है गुजरात, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 6 मार्च 2019 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना। तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जनवरी 2019 में संपन्न इटालियन फुटबॉल सुपर कोपा इटालियाना का किताब किसने जीता। जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जेवेंट्स एक FC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 18 नंबर। किस सरकार ने प्रोजेक्ट गौशाला के तहत
राज्य में अगले चार महीने में 100 गौशाएं खोलने का निर्णय लिया, जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर। यूएई ने दिसंबर 2018 में किस देश में अपना पहला दूतावास फिर से खोला, तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दशमिक में, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा दशमिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 जनवरी 2019 में विश्व के दूसरे और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा डी गुगेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। वरिष्ठ राजनयिक रीवा गांगुली दास को दिसंबर 2018 में किस देश में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, किस देश का, बांग्लादेश का। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 22 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित कोरियाना गांडियाल पुल का उद्घाटन किया, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रावी नदी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हिंडली पासपोर्ट इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 79वां स्थान, ठीक है 79वां नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24। विश्व लेखिका कृष्णा सोबती को किस वर्ष का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 2017 में। रक्षा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को प्रतिमाह कम से कम कितने हजार रुपए पेंशन देने की घोषणा की गई या कितनी पेंशन दी जाएगी, तो जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 18,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर। विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति मसाजो नोनाका किस देश से संबंधित थे, जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए किस देश से, जापान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर। किस देश ने दिसंबर 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई के तहत गोल्डन वीजा योजना को निलंबित कर दिया, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 नंबर। मिस यूनिवर्स 2018 प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई, ठीक है, तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, थाईलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर। सिनेमेटोग्राफ संशोधन 2019 विधेयक के अनुसार पायोरेसी और कॉपीराइट मामलों का उल्लंघन करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सू सेंग चांग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित लगभग 335 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया गया है, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर। सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है, तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सना मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं 34 नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2019 में वैश्विक स्वास्थ्य के 10 खतरों को सूचित किया गया जिनमें शामिल है, तो इसका जो होगा हमारा उपरोक्त सभी, मतलब सभी इसमें शामिल है, वायु प्रदूषण एवं जल परिवर्तन, गैस संचार रोग, वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग अपना देख लेते हैं, जो कि हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है। फरवरी 2019 में किस देश में जाने माने कितने कलाकारों को वर्ष 2017 के संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया, तो जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 42। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 36। नीति आयोग ने दिसंबर 2018 में आकांक्षित जिलों की कौन सी डेल्टा रैंकिंग जारी की, तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरी।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 37 नंबर, हाल ही में नासा की हबल दूरबीन द्वारा खोजी गई बौनी आकाश गंगा को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया है, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 37 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेदिन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की 352वीं जयंती के अवसर पर कितनी धनराशि का स्मारक का सिक्का जारी किया? तो जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 350 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर। चौदहवां कृषि विज्ञान सम्मेलन 20 से लेकर 23 फरवरी तक जो चला 2019 में मध्य में कहाँ आयोजित किया गया? 2019 में कहाँ हमारा आयोजित किया गया था? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पूसा न्यू दिल्ली में। अब 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जनवरी 2019 में संपन्न डाटा मुंबई मैराथन 2019 में स्वर्ण पदक पुरुष वर्ग किसने जीता? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रास मास लगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने दिसंबर 2018 में WTA फैन फेवरेट पुरस्कार जीता? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा हमारा? सिमोना हालेप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 42 नंबर, ठीक है। जो हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान की राष्ट्रपति के आदेश पर देश में किस विषय को पढ़ाने पर लगा बैन हटा दिया गया, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, राजनीति शास्त्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिंगायत समुदाय से संबंध रखने वाले शिव कुमार स्वामी जी किस मठ के प्रमुख थे, ठीक है, किस मठ के प्रमुख थे? तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध गंगा मठ के प्रमुख थे, ठीक है, जिसका भी हाल ही में देहांत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर। दिसंबर 2018 में पीबी भारती को किस बैंक की एमडी तथा सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉरपोरेशन बैंक का, ठीक है। किसका नियुक्त किया गया है एमडी? पीबी भारती को, कॉरपोरेशन बैंक का। नेक्स्ट हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 45 नंबर। किस राज्य की प्रसिद्ध गायिका दीपाली बर्थ कुर का दिसंबर 2018 में निधन हो गया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम, वो आसाम की रहने वाली थी, ठीक है। किस देश ने दिसंबर 2018 में उन्नत S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चीन ने। कौन सा होगा? चीन। और भारत ने इसको जो है रसिया से खरीदा। कभी इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि इंडिया ने इसको अभी परचेज किया है रसिया से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता 47 नंबर, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का दिसंबर 2018 में सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 48 नंबर। जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में कितनी वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी की घोषणा की गई? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 33 वस्तुओं में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 49 नंबर। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 2018-19 में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चेतेश्वर पुजारा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 50 नंबर। दिसंबर 2018 में NCERB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रामफल पवार को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द्विपक्षीय वायु अभ्यास सिंगयू मैत्री 18 का कहाँ आयोजन किया गया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2020 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 31 मार्च 2020 के लिए 53 नंबर देख लेते हैं हम लोग। दिसंबर 2018 में भारत की किस महिला बल्लेबाज को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चयनित किया गया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। दिसंबर 2018 में केरल के किस राज्य में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं 55 नंबर।
नीलांबर आचार्य को भारत में किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, किस देश में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी नेपाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 56 नंबर। बिहार राज्य के किस जिले में मिस्टाल सिवाल खाजा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नालंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नालंदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2018। ठीक है, रैंकिंग 2018 में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मर घोषित किया गया है? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मतलब स्टार्टअप को स्टार्ट करने में, यानी स्टेट स्टार्टअप को स्टार्ट करने में फर्स्ट रैंक किस राज्य का है इंडिया के अंदर? तो हमारा क्या है, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। अब 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस ने किस राज्य में पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिहार में। 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2019 को किस राज्य में नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया? तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर है गुजरात, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 हेतु विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया है? इसका जो हमारा होगा रियो डी जेनेरिको, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद हम आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे, 17-18 जनवरी 2019 में एग्री विजन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं 62 नंबर, हाल ही में किस देश ने उन्नत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली एरो 3 का सफल परीक्षण किया? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसराइल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2019 में भारत रत्न के लिए निम्न में से किसके नाम की घोषणा नहीं की गई है? देखो, तीन लोगों के नाम की घोषणा की गई, जिसमें भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये सही होगा, यानी ये इनकी घोषणा नहीं की गई। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखी जाने की घोषणा की गई? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, जो कि हमारा वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65 नंबर, किस राष्ट्रीय स्मारक स्थल में सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाए गए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी लाल किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं 66 नंबर, जनवरी 2019 में कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्पणा कुमार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं, 20 जनवरी 2019 को केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया? तो जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। किस राज्य द्वारा जनवरी 2019 में छात्रों को सौर पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं, केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए 20% महिलाओं को भर्ती किए जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य ने 5,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी कर्ज माफी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना औपचारिक शुभारंभ किया? तो जो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला हम देखते हैं, हाल ही में विकासशील देशों के समूह G77 की वर्ष 2019 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए फिलिस्तीन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना 72 नंबर, जनवरी 2019 में संपन्न भारत राष्ट्रीय एक दिवसीय श्रृंखला 2018-19 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं 73 नंबर, जनवरी 2019 में निम्न में से किसे भारतीय फुटबॉलर टीम के मुख्य कोच के पद से त्यागपत्र दे दिया? जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी स्टीफन कोनस्टेडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 74 नंबर,
जनवरी 2019 में महाराष्ट्र में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में कौन सा राज्य ओवरऑल पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 75 नंबर। जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश के पहले सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। मेसेडोनिया द्वारा हाल ही में देश का नाम बदलकर नया क्या नाम रखा गया, यानी उसका नया नाम क्या रखा गया? जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी मेसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं 77 नंबर। जनवरी 2019 में जापान द्वारा इन्फ्रास्लाइसन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा कुल कितने उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2018 को हरियाणा के किस जिले में रुपया 1294 करोड़ की लागत से भारत में 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को स्वीकृति दी? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रेवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 79 नंबर। आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु सहनी जी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 80 नंबर। पुस्तक बी आर डिप्लेस्ट के लेखक लेखिका कौन है? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफ जई। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत का उपभोक्ता बाजार अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं 82 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ पे, बनारस में किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील भार्गव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखे जाने को मंजूरी दी? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। तितली तूफान ने किन राज्यों में भारी क्षति पहुंचाई? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 87 नंबर। जिपमिक्स 2018 सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और जापान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य ने अक्टूबर 2018 में खाद्य सुरक्षा स्कीम शुरू की? इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओडिशा ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 89 नंबर। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? भारत को कौन सी रैंक मिली है? जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 58वीं रैंक। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 करते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 98वीं रैंक। ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 77वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड कप 2019 के बाद वेस्ट इंडीज़ के किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस गेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 93 नंबर। किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आसमा जहांगीर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। ऑप्शन नंबर बी, शक्ति, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कृषि कुंभ मेला आयोजन कहाँ किया गया? जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में,
इलाहाबाद में, और कुंभ मेले का उद्घाटन का भी जो शिलान्यास है उद्घाटन है वो भी प्रयागराज में किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार भारत कब तक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा, जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी 2024 तक हमारा जो है इंडिया बन जाएगा सबसे ज़्यादा विमानन बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं, भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा पर पहली वार्ता का आयोजन किस शहर में किया गया, जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं 98 नंबर, ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग अपना देख लेते हैं, जो अवनी किसके मारे जाने का पर्याविद आलोचना कर रहे थे वह वस्तुतः क्या है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यह ऑप्शन हमारा बी होगा, जो कि एक बाघ, ठीक है, एक बाघनी थी, ठीक है इसका, और ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना 99 नंबर, भारत की किस परमाणु पनडुब्बी ने सफलतापूर्वक अपना पहला गश्ती अभियान पूरा किया, तो जो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी INS अरिहंत ने। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो हमारा है 100 नंबर, वर्ष 2018 की किस तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, यानी वर्ष 2018 की किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 5 नवंबर 2018 को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा 100 क्वेश्चन का जो सेट था वो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि डेली हम आपको NTPC ग्रुप डी और आपके जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए डेली एक 100 क्वेश्चन का डेली हम एक करंट अफेयर प्रोवाइड कराएंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है हमारे द्वारा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने जितने भी आपके ग्रुप हों, व्हाट्सएप ग्रुप, शेयर, फेसबुक, सब पे इसको फैलाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।